हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। मेरा नाम है सिस्टी। आज मैं आप सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आई हूँ। मेरे पास कमेंट आया था कि हेयर फॉल के ऊपर वीडियो बनाइए। हेयर फॉल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है आजकल, क्योंकि जैसे जैसे मौसम चेंज होता है, गर्मी, सर्दी या बारिश, हमारे सर में हेयर फॉल होने लग जाता है, हमारे बालों में डैंड्रफ रहने लग जाता है। अगर हमारे स्कैल्प एकदम सूखी है, रूखी है, बिल्कुल भी नमी नहीं है, तो हेयर फॉल तो ज़रूर होगा और डैंड्रफ साथ में फ्री में ही हो जाता है। वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। मेरे बताए स्टेप के अकॉर्डिंग अगर आप इस रेमेडी को अप्लाई करेंगे तो आपके बालों में से हेयर फॉल बिल्कुल निकल जाएगा। बहुत अच्छी रेमेडी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हेयर रेमेडी बनाते हैं। मैंने घर का जमा हुआ दही लिया है, आप बाज़ार का ना लें। कोशिश करें कि घर का जमा हुआ दही आप इस्तेमाल करें, क्योंकि घर का जमा दही काफ़ी हेल्दी होता है हमारे बालों के लिए और हमारे बालों को बहुत ठंडक भी पहुंचाता है। दही हमारे बालों को नमी पहुंचाने का काम करता है। अब मैं इसमें डालूंगी दाना मेथी। दाना मेथी को मैंने बारीक पीस लिया है, आप इसे एकदम पाउडर बेस में बारीक पीस लें। मेरी दाना मेथी काफ़ी दर्दरी है, आप पर इसे अच्छे से पीस लें। दाना मेथी हमारे बालों को कंडीशनिंग देती है और बालों को स्मूथ बनाने का काम करती है। और मैंने इसमें कड़ी पत्ता इस्तेमाल किया है, मैंने सूखा कड़ी पत्ता इस्तेमाल किया है, आप भी सूखा कड़ी पत्ता ही इस्तेमाल करें। सूखा कड़ी पत्ता हमारे हेयर फॉल को कम करता है, बालों को मजबूत बनाता है और डैंड्रफ को जड़ से ख़त्म कर देता है। अगर हमारे स्कैल्प में नमी रहेगी, दही हम इस्तेमाल कर रहे हैं, नमी रहेगी तो हमारे बाल बिल्कुल नहीं झड़ेंगे, स्मूथ एंड सॉफ्ट रहेंगे, कंघे करने से बिल्कुल नहीं टूटेंगे। और मैंने इसमें एक चम्मच ऑलिव ऑयल यूज़ किया है। ऑलिव ऑयल हमारे बालों को बहुत मजबूत बनाता है, जड़ों को एकदम मजबूत कर देता है, जिससे हमारे बाल बिल्कुल नहीं टूटते और हेयर फॉल बिल्कुल भी नहीं रहता है। डैंड्रफ को कम करता है और बालों की मजबूती को बनाए रखता है। मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर लिए हैं, अब मैं इसका एक पेस्ट बना लूँगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। हम इसे अच्छे से मिक्स करके लगभग 1 से 2 घंटे के लिए रख देंगे, ताकि दाना मेथी अच्छे से फूल जाए। देखिए इसका पेस्ट थोड़ा सा गाढ़ा है, तो इसमें मैं पानी का इस्तेमाल कर लूँगी, ताकि अच्छी कंसिस्टेंसी बन जाए और हम इसे यूज़ कर सकें। ये पेस्ट आप वीक में 2 बार ज़रूर अप्लाई कीजिएगा और इसे कंटिन्यू लगभग 2 महीने तक कीजिएगा। आपके बाल एकदम स्मूथ हो जाएंगे, हेयर फॉल तो जड़ से ख़त्म हो ही जाएगा। रियल में कह रही हूँ, आप मुझे कमेंट करके थैंक यू कहेंगे कि आपने हमें बहुत अच्छी रेमेडी बताई है। तो अब मैं इसे ढककर लगभग 2 घंटे के लिए रख दूँगी, ताकि दाना मेथी अच्छे से फूल जाए और हमारा पेस्ट तैयार हो जाए। देखिए 2 घंटे हो गए हैं, अब हम चेक करते हैं। पेस्ट हमारा काफ़ी गाढ़ा हो गया है, दाना मेथी देखिए ऊपर आ गई है, आप देख सकते हैं कितना गाढ़ा पेस्ट हो गया है। इसकी कंसिस्टेंसी को बनाए रखने के लिए हम इसमें पानी अभी यूज़ करेंगे, क्योंकि गाढ़ा पेस्ट होने की वजह से लग तो अच्छे से जाएगा पर हमारे बालों में पूरी तरह से नहीं लग पाएगा, कम पड़ जाएगा, तो इसलिए हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी डालकर हम इसे मिक्स कर लेंगे और मिक्सी ग्राइंडर में इसे ग्राइंड भी कर लेंगे, ताकि एकदम सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि दाना मेथी काफ़ी मोटी है, हमने इसे भिगो कर रखा है तो दाना मेथी काफ़ी सॉफ्ट भी हो गई है। और मिक्सी ग्राइंडर में ग्राइंड करने से स्मूथ पेस्ट तैयार हो जाएगा और हमें लगाने में बहुत आसानी रहेगी, क्योंकि दाना मेथी मोटी है, बालों में लगाएंगे तो वो झरेगी और हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए मिक्सी ग्राइंडर में मैंने ग्राइंड कर लिया है इसे, और आप देख सकते हैं पेस्ट कितना स्मूथ हो गया है, अब हमें लगाने में बहुत आसानी रहेगी और आसानी से लग भी जाएगा। पेस्ट हमारा रेडी हो गया है, तो चलिए लगाते हैं इसे अपने बालों पर। बालों पर पेस्ट लगाने से पहले आप बालों को अच्छे से सुलझा लें, ताकि हमें लगाने में आसानी रहे, बिल्कुल भी बाल उलझे नहीं होने चाहिए। आप मेरे बाल देख सकते हैं, मेरे बाल काफ़ी बाउंसी हैं और नीचे से थोड़े से ख़राब हो रहे हैं, फ्रिजी से हो रहे हैं। बाल मेरे बिल्कुल भी नहीं टूटते हैं, बहुत कम रेयरली टूटते हैं, ज़्यादा नहीं टूटते हैं, इसलिए मेरे बाल बहुत ज़्यादा घने और घुंघरालू टाइप के हैं,
बिल्कुल भी सिल्की नहीं है। मैं इस पेस्ट को बहुत कम यूज़ करती हूँ क्योंकि इसको ज़्यादा यूज़ करने से बाल बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं और स्ट्रेटनिंग जैसा लुक धीरे धीरे आने लग जाता है, एकदम स्मूथ हो जाते हैं जैसे आपने ब्लो ड्राई कर रखा हो। मुझे बाउंसी बाल ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं इस पेस्ट को बहुत कम अप्लाई करती हूँ, क्योंकि दाना मेथी हमारे बालों को काफ़ी स्मूथ बना देता है। आप यकीन मानिए, मेरे कहने पे आप इस पेस्ट को 2 महीने ज़रूर अप्लाई कीजिए अपने बालों में। हफ्ते में 2 बार आप इसे अपने बालों में अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद आपको शैम्पू नहीं करना है, शैम्पू आपको ऑयलिंग के बाद ही करना है। ऑयल आप ऑलिव ऑयल ही यूज़ करें क्योंकि ऑलिव ऑयल बालों को मजबूत बनाने का काम करता है और आपके सिर में से हेयर फॉल ख़त्म हो जाता है। दाना मेथी हमारे बालों को स्मूथ तो बनाता ही है, साथ में सॉफ्ट भी बनाता है। ये देखिए, मैंने 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर लिया है ताकि हमें लगाने में आसानी रहे, और स्केल्प में हमें इसे अप्लाई करना है और अब मैं पीछे की तरफ भी इसे अप्लाई कर लूँगी। हमें इसे ईजीली स्प्रेड करते हुए अप्लाई करना है, हमें बिल्कुल भी कुश्ती नहीं करनी है अप्लाई करते वक्त, एकदम स्प्रेड करना है हमें और कुछ भी नहीं, सिर्फ स्केल्प में। मालिश नहीं करनी है, सिर्फ हल्का हल्का इसे स्केल्प में आप स्प्रेड कर दीजिए। इसी तरह अब मैं नीचे के बालों में भी लगा लूँगी, फटाफट फटाफट मैं लगा रही हूँ ताकि कंप्लीट हो जाए, वीडियो को मैंने फास्ट कर दिया है। अगर इस पेस्ट को आप ट्राई करेंगे तो रियल मानिए आपके बालों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादातर गर्ल्स को डैंड्रफ ज़्यादा रहता है, हेयर फॉल ज़्यादा रहता है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है तो हर गर्ल हर तरह का हेयर स्टाइल बना सकती है। बाल घने होंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे, खुले भी अच्छे लगेंगे, बंधे भी अच्छे लगेंगे। कड़ी पत्ता मैंने इसमें इस्तेमाल किया है, कड़ी पत्ते का ऑयल भी अवेलेबल है बाज़ार में, आप वहाँ से लेकर कड़ी पत्ते का ऑयल यूज़ करेंगे तो हेयर फॉल आपका जड़ से ख़त्म हो जाएगा, बाल सॉफ्ट हो जाएंगे, कंघी आराम से निकलेगी तो बाल झड़ेंगे नहीं, हेयर फॉल ख़त्म हो जाएगा। इसलिए बालों को सॉफ्ट भी करना है अगर हेयर फॉल ख़त्म करना है तो। हमें इस पेस्ट को लगाकर लगभग 2 घंटे के लिए रखना है। ड्राई होने के बाद सादा पानी से धो लेना है, शैम्पू कंडीशनर बिल्कुल भी नहीं करना है, और बालों को धोते वक्त आपके बाल एकदम स्मूथ हो जाएंगे, कंघी आराम से निकलेगी तो आप धोते टाइम कंघी करते रहें अपने बालों में ताकि दाना मेथी इजीली निकलती रहे। पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है और इसे निकलने में थोड़ा टाइम भी लग जाता है। बाल धोने के बाद भी आपके बालों में दाना मेथी ज़रूर रहेगी, आप कंघी करेंगे 2-3 दिन कंघी करेंगे तो आपके बाल में से दाना मेथी निकलती रहेगी। और ऑयलिंग करने के बाद में आप शैम्पू कंडीशनर कर सकते हैं, जिस तरह से भी आप जो भी शैम्पू कंडीशनर यूज़ करते हैं उस हिसाब से आप कर सकते हैं और आपके बाल काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। आप देखेंगे पहली बार में आपके बहुत कम बाल टूट रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं टूट रहे हैं, और हेयर फॉल आपको लगेगा कि रियल में बहुत अच्छा वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया है, आप रियल में मुझे थैंक यू कहेंगे क्योंकि ये बहुत ही अच्छा रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ। साइड के बालों में भी हम इस तरह लगा लेंगे, ये मैंने खुद से लगाया तो आधी जगह तो लगाए, आधी जगह नहीं लगाए, आप किसी की हेल्प के ज़रिए भी लगा सकते हैं, बट मैंने स्केल्प में अच्छे से लगाया है तो आप स्केल्प में अगर खुद से लगा रहे हैं तो बहुत अच्छे तरीके से लगा लें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर तो कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँ। और मुझे बहुत खुशी हो रही है वीडियो आपके साथ शेयर करके, क्योंकि रिक्वेस्टेड वीडियो शेयर करने में और बनाने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप इस रेमेडी को ट्राई कीजिएगा, मैंने इसमें बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं, मैंने पूरा बाउल खाली कर दिया है सिर पे लगा लगा कर। मैंने इसमें बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं जो आपके बालों को काफ़ी हेल्दी बनाकर रखेंगे, बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आप इस रेमेडी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बार बार कह रही हूँ क्योंकि मैं आपके साथ अच्छी अच्छी वीडियो शेयर करना चाहती हूँ। इस रेमेडी को ट्राई करके अगर आपको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है तो आप मुझे इसी वीडियो पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमने ट्राई किया था और हमें ये रिज़ल्ट मिला है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी होती है तो भी मुझे बताइएगा, वैसे कोई प्रॉब्लम होने वाली है नहीं क्योंकि मैंने सारी हर्बल चीज़ों को ही इसमें इस्तेमाल किया है, मैंने बाज़ार की एक भी चीज़ नहीं ली है।
और हाँ, दाना मेथी को निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि ये बालों में चिपक जाती है। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल होगा, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। कंघी करते वक्त आप पानी डालते रहें और कंघी करते रहें, आपके बालों में से दाना मेथी काफ़ी हद तक निकल जाएगी। ऑयलिंग करने के बाद ये शैम्पू कंडीशनर करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये देखिए मेरे बाल कितने ज़्यादा बाउंसी हैं, स्मूथ एंड सॉफ्ट एंड नॉट सिल्की। थैंक यू, बाय बाय। कीजिए आर्ट ऑफ सिस्टी चैनल को और बेल बटन को दबाएं हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।